नमस्कार आप सभी का फिर से स्वागत है रिजुनेट लाइफ थ्रू स्पिरिचुअलिटी में यानी जीवन संजीवनी आध्यात्मिकता के आज के इस अंक में दोस्तों कल हमने चर्चा की थी स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में स्पिरिचुअल डिसीजेज़ के बारे में कैसे होती हैं स्पिरिचुअल डिसीजेज कौन सी ऐसी गुणवत्ताएँ हैं जिनकी कमी के कारण या उनके परिवर्तन के कारण ये डिसीजेज पैदा होती हैं और आज हम बढ़ रहे हैं एक कदम और यानी आज हम जानेंगे कि स्पिरिचुअल हेल्थ का किस तरह से हमारे शारीरिक मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य से रिश्ता है ये किस तरह से और साथ ही साथ स्पिरिचुअल डिसीज़ेज़ किस तरह से हमें कॉम्प्लिकेट करती हैं इनका क्या निदान है इनके क्या इलाज है उन सभी बातों पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर श्रीमन जी सर आपका फिर से स्वागत है थैंक यू विशाल भाई कल के विषय से हम आगे बढ़ना चाहेंगे जी बहुत ही सुंदर हम चर्चा करेंगे वास्तव में ये आध्यात्मिक स्वास्थ्य ये हमारे शारीरिक मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के साथ डायरेक्ट कैसे संबंध है मैं ये भी कह सकता हूँ कि आध्यात्मिक बीमारियाँ जो है ये कैसे हमारे शारीरिक मानसिक सामाजिक बीमारियों को पैदा करती हैं इसको स्पष्टीकरण करने से पहले मैं आपको एक सिंपल एक उदाहरण बताऊंगा कि हमारे जो आत्मा के मूल गुण है इनर सेल्फ के जो ओरिजिनल क्वालिटीज़ है उसका हमारा शरीर के जो भिन्न भिन्न सिस्टम है उससे कैसे संबंध है वो मैं एस्टेब्लिश करने के बाद आपको मैं क्लारीफाई करूँगा कि आत्मा की बीमारी से कैसे शारीरिक बीमारी मानसिक बीमारी सामाजिक बीमारी ये भी पैदा होती है देखिए सबसे पहले मैं आपको बताया था आत्मा के मूल रूप में सात गुण है जो गुण में हम जब एकदम कंप्लीट इस गुण में भरपूर हो जाते हैं आत्मा की सतोप्रधान स्टेज होती है और जैसे सबसे पहला गुण है आत्मा ज्ञान स्वरूप है अर्थात नॉलेजफुल है जब आत्मा नॉलेजफुल है उसका शरीर का जो नर्वस सिस्टम है उससे बहुत सीधा सा कनेक्शन है बहुत उसका संबंध है और हमारे नर्वस सिस्टम बहुत सुंदर हो जाता है कैसे मैं एक उदाहरण के रूप में बताऊंगा हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमने देखा है हमारी दादी जानकी जी है आज वो सौ साल की है हंड्रेड इयर्स hmm. और सौ साल की उम्र में आज भी कोई पचास साठ साल की पुरानी घटनाओं को ऐसे स्पष्टीकरण करती है याद करके बताती है जैसे कल की बात है कितने व्यक्तियों को जब भी देखती है पहचान लेती है आज भी उनकी जो मेमोरी है इतनी शार्प है हंड्रेड इयर्स में आप सोच नहीं सकते हो ज्ञान की स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ज्ञान की इतनी बातें घंटों तक बहुत गुई हो गई बात है बातें स्पष्टीकरण करती है तो आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा हमारी मेमोरी बढ़ती है हमारे नर्वस सिस्टम और ही एक्टिव हो जाते हैं जो व्यक्ति है, आध्यात्मिक ज्ञान का चिंतन मनन नहीं करता है वो देखना लॉस ऑफ मेमोरी अनेक प्रकार की मानसिक विकृतियाँ शुरू हो जाती है डिप्रेशन होना एक हो चीज़ जाता पूछना चाहूँगा इसमें जैसे ज्ञान की बात कही तो आप इसमें शब्द ऐड कर रहे हैं आध्यात्मिक ज्ञान कोई दूसरा ज्ञान कोई जनरल कोई नॉलेज जी उतना नर्वस सिस्टम को इफेक्ट नहीं करती जितना आध्यात्मिक ज्ञान की बात जी, है एक्चुअली uh, आध्यात्मिक ज्ञान सबसे ज़्यादा डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करेगा क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान में पॉजिटिविटी है वी कंजर्व एनर्जी थ्रू दैट बाकी दुनिया की तो बहुत सारी ज्ञान है वो भी एक्चुअली वो भी अगर कोई व्यक्ति मेंटली एक्टिव रहता है uh, अनेक प्रकार के uh, बहुत उम्र तक भी वो पढ़ता है लिखता है या वक्तृता करता है तो उसमें वो ज्ञान का दुनिया भी ज्ञान भले हो फिर भी उसके नर्वस सिस्टम तो एक्टिव रहते ही है परंतु आध्यात्मिक ज्ञान और जो बाह्य ज्ञान है बहुत अंतर है आध्यात्मिक ज्ञान में सदा ही पॉजिटिव एनर्जी आप कंजर्व करेंगे लेकिन बाकी ज्ञान जो है दुनिया के ज्ञान है उसमें एक जैसे शारीरिक रूप में कोई भी ऑर्गान को आप बार बार अगर यूज करेंगे तो वो मसल्स वो उसकी जो ऑर्गन है वो ठीक रहता है परंतु कोई ऑर्गेन को जैसे फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति पैरालिसिस हो जाता है जी उसके पाँव को हिलाता ही नहीं है ऐसे ही पड़ा रहता है अब देखना थोड़े दिन के बाद डिसयूज एट्रोफी हो जाता है मेडिकल भाषा में हम कहते हैं कि वो बिना काम किए कि एकदम दुबला पतला हो जाएगा उसके मसल्स एकदम थीन हो जाएंगे हो जाते ना नहीं जी जी इसी प्रकार जो व्यक्ति ज्ञान का मनन चिंतन नहीं करता है अध्ययन नहीं करता है श्रवण पठन पाठन नहीं करता है तो उसकी मेमोरी उसकी जो नर्वस सिस्टम की जो क्रियाएँ हैं वो धीरे 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 डल होते जाते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान में विशेष उसकी खूबी है कि उससे एकदम हमारी मेमोरी हमारी नर्वस सिस्टम को विशेष रूप में वो एक्टिव कर पाते हैं क्योंकि इसमें पॉजिटिव एनर्जी है इसी प्रकार दूसरा हमारी जो गुण है प्योरिटी जब हमारे अंदर पवित्रता स्वच्छता निर्मलता है तो हमारे जो सेंसर गांस से, है वो भी बहुत सुंदर काम करने लगते हैं और वो भी एक्टिव होके सदा रहते हैं और वो सेंस ऑर्गन्स भी कभी भी हमको भटकाते नहीं हैं फॉर एग्जांपल मैं एक उदाहरण के रूप में दूंगा जी। कि देखिए आज बहुत सारे मनुष्य अपने सेंस ऑर्गन्स के गुलाम हैं जैसे छः फुट का आदमी होगा लेकिन दो इंच का सिगरेट का गुलाम है जो नहीं सुनना चाहिए सुन लेते हैं जो नहीं खाना चाहिए खा लेते हैं जो नहीं देखना चाहिए देख लेते हैं बाद में आदमी पश्चाताप करता है ये कहता सुना जाता है कि चाहता तो नहीं था हो गया लेकिन क्या करूँ हो गया हाँ जी तो इस प्रकार ये जो सेंस और गांस के ग़ुलाम होके आज लोग बहुत समय दुखी रहते हैं परंतु जिस व्यक्ति के अंदर पवित्रता की शक्ति है ज्ञान की शक्ति है पवित्रता की शक्ति है वो अपने सेंस ऑर्गन्स को अपने बस में रखता है कंट्रोल करता है और सेंस ऑर्गेन को जैसे चला चाहता है वैसे चला पाता है इसलिए उसके सेंस ऑर्गन्स भी ठीक से काम करने लगते हैं तीसरी बात है जब हमारे अंदर शांति की शक्ति आ जाती है शांति का गुण से हम भरपूर हो जाते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत सुंदर काम करने लगते हैं रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी भी बढ़ती है आप एक सिंपल उदाहरण देने से क्लैरिफाई होगा आप जब गुस्सा करते हो आपके सांस कैसे होते हैं ऑटोमेटिकली तेज चलता होने लगता है ना दो जानवर भी आपस में दो सांड आपस में जब झगड़ रहे हैं लड़ रहे हैं अब देखना कितना तेज सांस खूब जोर जोर से आता है तो जब आदमी गुस्सा करता है उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम कितना जोर से एकदम एक्टिवेटेड हो जाता है लेकिन जो व्यक्ति शांत है सदा ही उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे एकदम तो इसलिए हमारे भारतीय शास्त्रों में कि प्राणायाम जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज से सिखाया गया है ब्रीदिंग एक्सरसाइज में हम कैसे अपने सांस को कैसे धीमे धीमे धीरे धीरे कैसे चलाएं कैसे लें कैसे ये करें वो सिखाया जाता है ट्रेनिंग ताकि हमारा मन भी शांत हो तो ये देखा गया है कि कोई व्यक्ति अगर शांत रहता है उसका रेस्परेटरी सिस्टम के साथ भी डायरेक्ट उसका रिलेशन है साथ साथ जिस प्रकार अगर कोई व्यक्ति अगर प्रेम स्वरूप है उसके अंदर सबके प्रति निश्चल प्रेम है सबके प्रति स्वच्छ प्रेम की भावना है तो उसके दिल बहुत सुंदर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी बहुत सुंदर काम करने लगते हैं दिल का जो कनेक्शन है प्रेम के साथ है नेचुरली इसलिए तो आप देखना कोई किसे प्यार हो जाता है तो क्या करता है कुछ दिया जाता है चॉकलेट तो, गिफ्ट जो प्रेम का प्रतीक हार्ट को दिखाया जाता है कभी कोई किडनी को नहीं दिखाता है किसी को प्रेम याद है तो किडनी का फोटो ने नहीं भेजते नहीं, नहीं। हार्ट की शेप में हाँ, देंगे तो कहने का मतलब है कि हम जब प्रेम स्वरूप हो जाते हैं और एक्चुअली निष्कपट निश्चल प्रेम जो जैसे मैं बताया ईश्वर के साथ जो हमारा प्रेम है या एक माँ का बेटा के साथ जो प्रेम है वो प्रेम निष्कपट है निश्चल है निस्वार्थ है ऐसे प्रेम अगर होता है तो सबके प्रति बेहद विशाल उदार दिल होके हम जब प्रेम स्वरूप बन जाते हैं हमारा हार्ट बहुत सुंदर काम करने लगेगा हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और मैं बताया था अभी पहले भी देखिए कोई व्यक्ति जब गुस्सा करता है उसके जो अंदर कई प्रकार के स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे आप लाल पीला हो जाते हो आपका धड़कन बढ़ जाता है बीपी बढ़ जाता है वो डायरेक्ट हमारे हार्ट के जो नसें हैं उस पर डायरेक्ट उसका असर होता है जिसको हम एंडोथेलियल डिसफंक्शन कहते हैं मेडिकल भाषा में तो कोई व्यक्ति अगर एक बार गुस्सा कर लेता है तीस दिन तक उसके हार्ट में असर होता है जी तो जो व्यक्ति प्रेम स्वरूप हो जाता है नेचुरली ये जो नेगेटिव इफेक्ट है उसके हार्ट में कभी नहीं होगा और सदा ही उसका डाई कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बहुत सुंदर काम करेगा और हम आगे देखते हैं जैसे कोई व्यक्ति बहुत एकदम में है तो देखना उसके डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत सुंदर काम करते हैं जो व्यक्ति रेस्टलेस है सुखी नहीं है टेंस्ड है दुखी है जब दुखी हो जाता है देखना उसके पेट से एसिड पैदा शुरू हो जाता है कोई व्यक्ति बहुत दुखी होकर रोता है तो उसको एसिडिटी भी शुरू हो जाती है पेट में ऑल्सर होना पैदा हो जाता है जब हम एंडोस्कोपी करके देखते हैं पेट के अंदर इरोजन्स ऑल्सर्स ये सब हम देखते हैं तो जब मानसिक स्थिति हमारी जॉयफुल है हम एकदम सुख स्वरूप में है तो हमारे डाइजेस्टिव से हजम भी अच्छी तरह से होगा हमारे अंदर कोई प्रकार के डाइजेस्टिव प्रॉब्लम नहीं हो सकता है लेकिन हम जब दुखी हो जाते हैं अशांत हो जाते हैं अनेक प्रकार की मानसिक दुश्चिंताएँ इससे शुरू हो जाती है पेट में अल्सर पैदा होना शुरू हो जाता है इंडाइजेशन डिस्पेप्सिया ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं साथ साथ जब हम सभी ब्लिसफुल हो जाते हैं अर्थात आनंदमय स्थिति जिसको एक्सट्रीम हैप्पीनेस कहते हैं जो व्यक्ति सदा एकदम खुशी में रहता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस में रहता है उसकी बॉडी इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी कि कोई इन्फेक्शन उसको टच भी नहीं कर सकता है उसके एंडोक्राइन ऑर्गन्स भी एकदम सुंदर काम करने लगेंगे तो इसका भी डायरेक्ट सीधा सा रिलेशन है और जो व्यक्ति शक्ति स्वरूप आत्मा जो इनर सेल्फ है जब वो शक्ति स्वरूप होकर रहती है मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम है उसके जो मसल्स है बोन्स हैं ये भी स्ट्रांग हो जाते हैं तो इसलिए इसका सीधा सा उसके साथ भी संबंध है तो ये आत्मा के जो सातों गुण है ये सातों गुण हमारे शरीर के जो अनेक प्रकार के सिस्टम्स को डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रीति से बीमार हो जाता है तो आप सोचिए हमारा शरीर कैसे चलेगा कैसे ठीक होगा इसलिए किसी ने ठीक ही कहा है द ह्यूमन बॉडी इज द बेस्ट पिक्चर ऑफ़ द ह्यूमन सोर्स तो आत्मा अगर ठीक है आत्मा अगर सतोप्रधान है ये शरीर भी सतोप्रधान है मान लीजिए आप कहीं जाके एक किसी ज्वेलरी सब से एक बहुत सुंदर डायमंड का एक लाखों रुपये का कोई ऑर्नामेंट खरीदते हैं ठीक तो आपका जो उसका बॉक्स होगा ज्वेलरी का जो बॉक्स होगा देखना वो बहुत वो भी कॉस्टली होगा बिल्कुल अगर लाखों रुपया का खरीदते हैं कम से कम वो गोल्ड का देगा या सिल्वर का एक छोटा सा बॉक्स देगा बिल्कुल लेकिन फुटपाथ में जाके अगर कोई इमिटेशन खरीदते हैं पाँच रुपया दस रुपये का तो कैसा बॉक्स में मिलेगा <laughs> बॉक्स शायद ना मिले कागज़ में आपको <laughs> तो बांध के एक पुड़िया में दे दिया जाए तो कहने का मतलब है आत्मा जब सत्व प्रधान स्थिति में होती है अर्थात ये सातों गुणों से भरपूर होती है तब तो हमारा शरीर भी ऐसे सतोप्रधान होता है इसलिए हमारे देश में जब हमारे पूर्वज जो भारतीय संस्कृति में हमारे शास्त्रों में हम जब अध्ययन करते हैं जब हमारे देश में स्वर्ग था जिसको हैवन कहते हैं पैराडाइज कहते हैं जन्नत कहते हैं सभी धर्म वाले सभी देश वाले मानते हैं कि संसार में कभी ना कभी स्वर्ग था वो भारत में ही था और उस समय जो मनुष्य थे हमारे पूर्वज वो सतोगुणी अवस्था में थे उनके अंदर सभी गुण भरपूर थे हंड्रेड परसेंट स्पिरिचुअल हेल्थी थे यस yes. जिसके कारण उनका फिजिकल मेंटल आ, और सोशल रूप से भी हेल्थी थे जी इसलिए देखिए उनके शरीर को कंचन काया निरोगी काया के रूप में में वर्णन किया कोई बीमारी नहीं थी क्या हमारे पूर्वज जो लक्ष्मीनारायण थे या राम सीता थे उनको डायबिटीज था हाइपटेंशन <laughs> था, <laughs> <laughs> था? नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं नहीं वो सब बीमारियाँ थी ही नहीं तो इसलिए आत्मा का शरीर के साथ या इनर सेल्फ आध्यात्मिक स्वास्थ्य का शारीरिक स्वास्थ्य के साथ भी बहुत बड़ा एक संबंध है और इनकलकेशन ऑफ वर्चुअस लीड्स टू कंप्लीट हेल्थ तो इसलिए हमारे अंदर जो आत्मा के जो मूल गुण है ये गुणों को जो आज हम सभी खो बैठे हैं आज कोई भी नहीं कह सकता है कि मेरे पास ये सब गुण पूरा हंड्रेड परसेंट में है तो ये गुण खो देने के कारण आज हम सभी अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं जब हम ये गुणों को फिर से अपने अंदर समाएंगे फिर से गुणवान बनेंगे गुण संपन्न बनेंगे तो ऑटोमेटिकली अनेक बीमारियों से हम मुक्त हो सकते हैं जी दोस्तों हमने इस चर्चा से ये समझा कि किस तरह से हमारी इनर स्पिरिट की जो पावर है अगर हम उनको रियलाइज़ करते हैं तो हमारे शरीर के जो भी सिस्टम्स हैं वो उनसे किस तरह से सीधे रिलेट हैं ये जो गुण गुण हैं उनको अगर हम फलीभूत करते हैं महसूस करते हैं तो हमारे जो शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित हमारे पार्ट्स हैं चाहे हमारा हार्ट है चाहे हमारे किडनी है या हमारा नर्वस सिस्टम है ये सब रिलेट करते हैं अगर आप इनसे स्वस्थ होना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा बस अपनी इनर सेंस को जागृत करना पड़ेगा उसको रियलाइज करना पड़ेगा जी बहुत ही सुंदर बताया देखिए अभी हम स्पष्टीकरण करेंगे कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य ये शरीर के साथ कैसे संबंध है तो बताया परंतु आज देखिए बहुत सारी बीमारियां जो शारीरिक बीमारियां ये भी हम वैज्ञानिक यही सिद्ध करके बताते हैं कि मेचोरिटी जो बीमारियां है मोर देन नाइन्टी परसेंट डिविन कह सकते हैं कि ये साइकोसोमैटिक है ये पहले साइकी से शुरू होता है सोमा माना शरीर साइकी माना माइंड हमारे मन से ही शुरू होता है तो फिर ये शरीर में वो प्रकट होते हैं तो पहले मन को ठीक करें कि पहले शरीर को ठीक करें बेहतर होगा कि मन को ठीक कर लिया जाए। तो ये मन वास्तव में क्या है मन वास्तव में ये जो हमारे इनर सेल्फ है इसके एक फैकल्टी है इनर सेल्फ जब सोचने लगती है तो उसको ही हम वास्तव में मन कह देते हैं मन कोई भिन्न चीज़ नहीं है मैं आ, उस दिन भी चर्चा किए थे हम सभी बताया था मैं कि देखिए हमारे अंदर जो कॉन्सनेस है जो चेतना शक्ति है जिसको हम इनर सेल्फ कहते हैं उसके अंदर एक विशेषता है सोचने की जी इसी प्रकार द पावर टू थिंक द पावर टू जज द पावर टू डिस्क्रिमिनेट द फीलिंग ऑफ पेन एंड प्लेजर स्लीपिंग इटिंग ये सब चीजें जो बताया आपको कॉन्शियसनेस के बारे में जब हम चर्चा हाँ, कर रहे थे कॉन्शियसनेस तो, हाँ, का एक गुण है सोचना तो कौन सोचता है मन सोचता है हम कह देते हैं परंतु वास्तव में मन कोई भिन्न चीज नहीं है भारत की जो संस्कृति है उसमें हाँ। मन के बारे में काफी कहा गया है लोगों के बड़े भिन्न भिन्न विचार हैं हाँ। है। स्पष्ट कोई ए, समझ नहीं पाया एक्चुअली हाँ। मन क्या है वास्तव हाँ। तो। में मन कोई भिन्न चीज नहीं है देखिए मैं आपको एक स्पष्ट शब्द में आंसर दे सकता हूँ कि एक डेड बॉडी सोचता है नहीं। तो जब तक वो जिंदा था सोच रहा था तो जब अंदर कॉन्सियसनेस है व इनर सेल्फ है या आत्मा है तब तक वो सोच रहा था जब वो सेल्फ या वो आत्मा चली जाती है में तो बंद हो, हो जाता है। तो कौन सोच रहा था फिर? बिल्कुल जाहिर है उसी वक्त ही उसको हम मन कह देते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे ऑफिस में बैठ के मैं पेशेंट्स को देख रहा हूँ मैं अगर प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ कोई व्यक्ति मुझे देखेगा तो उस समय मुझे क्या कहेगा डॉक्टर नेचुरली लेकिन मैं जब घर में जाता हूँ मेरी मम्मी के साथ जब मैं बात करता हूँ उस समय मेरी मम्मी मुझे डॉक्टर कहता है कहती है <laughs> नहीं कहेंगे मेरे नाम से पुकार नाम ले से, से पुकारें ठीक है ना नहीं मान लीजिए मैं कहीं बहुत एक कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है वहाँ मैं बहुत सुंदर गीत गा रहा हूँ कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं जानता है लेकिन मुझे देखा मैं गीत गा रहा हूँ तो मुझे क्या सोचता है गायक कहेंगे हाँ तो देखिए मेरे जो गुण जैसे जिस प्रकार मैं उसको अभिव्यक्त करता हूँ उसी आधार से मेरा नाम होता है मैं जब ऑफिस में काम कर रहा हूँ उस समय कोई देखता है तो कहता है डॉक्टर कहीं कल्चरल एक्टिविटीज़ में गीत गा रहा हूँ तो कहेगा गायक कहीं मान लीजिए कहीं क्रिकेट खेल चल रहा है मैं जाके वहाँ बैटिंग कर रहा हूँ कोई देखेगा तो कहेगा एक प्लेयर है जी। तो इसी प्रकार जब आत्मा जो इनर सेल्फ है जब सोचती है उसी वक्त उसको मन कह दिया गया लेकिन मन कोई भिन्न चीज़ नहीं है तो जब आत्मा या हमारी आध्यात्मिक स्वास्थ्य है आत्मा सभी गुणों से भरपूर है नेचुरली मन भी अच्छे संकल्प अच्छे विचार करें और आ, जब आध्यात्मिक रीति से आप स्वस्थ होगे नेचुरली अगर आत् आध्यात्म जो आत्मा ही मन है आत्मा जब सोचती है उसको मन कह दिया गया लेकिन आ, कोई मन कोई भिन्न चीज़ नहीं है तो आध्यात्मिक रीति से स्वस्थ है तो क्या मेंटली हेल्दी नहीं रहेंगे आप तो मेंटली हेल्दी हो गए तो फिजिकल कैसे रिलेशन है मैं बताया और जो व्यक्ति मेंटली फिजिकली एंड स्पिरिचुअली हेल्दी हो गया वो जिस समाज में रहेगा जिस गली में रहेगा जिस मोहल्ले में रहेगा जिसके साथ मिलजुल के प्रेम प्यार से सबके साथ रहेगा ऑटोमेटिकली वो सोशली हेल्दी नहीं होगा बिल्कुल इसलिए देखिए स्पिरिचुअल हेल्थ इज द फाउंडेशन ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशियल हेल्थ सो दिस इज द मिसिंग डायमेंशन आज लोग इस स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में अनभिज्ञ है जिसके कारण आज समाज में अनेक प्रकार की जो बीमारियां देख रहे हो चाहे मेंटल बीमारी चाहे शारीरिक बीमारी चाहे सोशल बीमारी आज धर्म धर्म के नाम से जाति जाति के नाम से कितने या देश देश आपस में कितने लड़ाई झगड़ा क्या क्या हो रहा है इसके मूल कारण है कि लोग आध्यात्म ज्ञान को नहीं जानते हैं आत्मा को जो इनर सेल्फ को आध्यात्मिक ज्ञान से अगर भरपूर कर दिया जाए और ज्ञान गुण शक्ति से जब इनर सेल्फ भरपूर हो जाती है तो ही हम आध्यात्मिक रीति से स्वस्थ हो जाते हैं तो शारीरिक मानसिक सामाजिक तीनों रीति से हम स्वस्थ हो सकते हैं तो स्पष्ट होता है कि अगर हम स्पिरिचुअली हेल्दी हैं तो हम फिजिकली मेंटली और सोशली हेल्दी होते ही हैं अब दूसरा प्रश्न ये उठता है सर जी कि यदि कोई आध्यात्मिक रीति से स्वस्थ है तो उसके चिन्ह क्या होंगे हम कैसे समझेंगे कि सामने वाला व्यक्ति स्पिरिचुअली हेल्दी है बहुत सुंदर प्रश्न है देखिए कोई व्यक्ति शारीरिक रीति से हेल्दी है तो बाहर से भी देख के ज़्यादातर हम समझ जाते हैं कि हेल्दी है है ना वो भाग दौड़ करता है बहुत अच्छा देखने में भी ठीक दिख रहा है ज़्यादा मोटा नहीं है ठीक दिख रहा है तो हम कहते हैं ये फिजिकली हेल्दी है है ना बाहर से दिखाई देता है कई लक्षण इसी प्रकार अगर आध्यात्मिक रीति से हम स्वस्थ है उसकी भी कुछ निशानियाँ तो दिखाई देनी चाहिए ना वो निशानी वास्तव में हमारे मन कैसा होगा नेचुरली हमारे मन सदा सकारात्मक होगा कभी भी हम उल्टे सुलटे व्यर्थ संकल्प फलतू फालतू सोच हमारे मन में नहीं चलेगा मन सदा ही अच्छे विचारों में रमण करेगा दूसरी बात है मन सदा शक्तिशाली होगा कभी मन कमजोर नहीं होगा पता नहीं आज शारीरिक रीति से व्यक्ति बहुत कट्टा होगा लेकिन ये तो मेरे से नहीं हो सकता है हिम्मत नजर आना हाँ। तो वो मानसिक शक्ति नहीं है hmm. तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक रीति से स्वस्थ है और शरीर भले वो छोटा सा होगा कद का होगा दुबला पतला भी हो सकता है लेकिन उसके मनोबल इतना प्रखर होगा कि वो कुछ भी करके दिखाने के लिए तैयार हो जाएगा तो मानसिक शक्ति भरपूर होगा साथ साथ ए पावरफुल एंड पॉजिटिव माइंड सकारात्मक विचार होगा और उसका दिल विशाल बेहद hmm. सबके लिए उदार दिल सबके प्रति विश्व बंधुत्व की भावना अपनेपन की भावना सबको कुछ देने की भावना लविंग एंड जेनरस आर्ट सो ये निशानी है कि आप आध्यात्मिक रीति से अगर स्वस्थ हो हैव है पॉजिटिव एंड पावरफुल माइंड विथ अ लविंग एंड जेनरस आर्ट इससे महसूस हो जाएगा कि व्यक्ति स्पिरिचुअली है स्पिरिचुअली बारे में भी हम नहीं 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 किसके प्रति घृणा नफरत पैर विरोध ये सब चीजें जो दुनिया में लोग करते हैं स्पिरिचुअली अनहेल्दी है इसलिए तो इतने सारे मारा मारी ये सब बीमारियां हैं अगर जो व्यक्ति स्पिरिचुअली हेल्दी हो जाएगा सबके प्रति प्रेम प्यार से घुल मिल के रहेगा बड़ा एकदम सुंदर खुश सदा खुश रहेगा सदा जीवन में आगे सबके साथ एडजस्ट करके चलेगा अब एक बहुत ही अहम सवाल यहाँ पैदा होता है कि ये जो गुणवत्ताएं हैं ये जो स्पिरिचुअल हेल्थ की बात है जी जी ये कैसे होगी हम कैसे बन सकते हैं स्पिरिचुअल हेल्थी वो क्या आधारभूत तथ्य होंगे नेचुरली देखिए मैं जो बताया कि एक पॉजिटिव एंड पावरफुल माइंड विथ ए लविंग एंड जनरस आर्ट कौन नहीं चाहता ऐसा बनू मैं बिल्कुल लेकिन कैसे बने लेकिन ऐसे कैसे बने? वो, क्या, <laughs> कैसे वो क्या क्या जड़ी बूटी से? है जिसको खाया आ, जाए आप देखिए मैं आपको एक सिंपल उदाहरण बताता हूँ मैं आज से तीस साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ वेन आई केम इन कंटेक्ट विथ ब्रमा कुमार वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी तो मैं पहली बार आया था और हमारी जो पुरानी दादियाँ हैं बहुत सारी दादियाँ हैं जो एकदम स्पिरिचुअली एम्पावर्ड स्पिरिचुअली हेल्दी एब्सोल्युटली। तो उनको जब हम मिलते थे उनके पास जाते ही एक अलग अजीब सा एक करंट जैसा महसूस होता था ऐसा लगता था कि जैसे कि इन जैसे और स्नेही कोई हो ही नहीं सकता है कोई अपने ब्लड रिलेशन से भी इतना प्यार आपको कभी नहीं मिला होगा इतना अपनापन की भावना एक अलग प्रकार का वाइब्रेशन एकदम चुंबक की तरह खींचता था जी खाली खुद को नहीं मैं अनेकों को देखा हूँ मेरे पास मेरे साथ एक दूसरा कुमार था वो यंग था और दादी से मिलने के बाद आके मुझे कहता है कि दादी ऐसे देखने से एक करंट जैसा लगता है कैसा कैसा लगता है यार मैं किसको देखता हूँ तो ऐसा क्यों नहीं होता है <laughs> तो मैं बोला ये दादियाँ सारे जीवन आध्यात्मिक साधना द्वारा अपने को त्याग तपस्या सेवा द्वारा अपने इनर सेल्फ को निखारे हैं इसलिए उसकी जो करंट है आप महसूस कर रहे हो आपने क्या किया है? वो जो आपसे किसी को अनुभव होगा सही बात है तो जो जितना अपने आप को ये साधना करेगा उसी अनुसार होगा परंतु देखिए बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल है सबसे पहले आप अगर आध्यात्मिकता की ये गुण ये लक्षण ये स्वास्थ्य आप जीवन में अनुभव करना चाहते हो सबसे पहले ये आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि मैं एक स्पिरिट हूँ एक आत्मा ये शरीर तो एक साधन है जिसके द्वारा यू आर मैनिफेस्टिंग योर सेल्फ और बचपन से लेके देखिए ये शरीर कितना चेंज होते 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 हम बचपन में बच्चा होकर पैदा होते धीरे 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 यंग एडोलोसेंट हो गए फिर, फिर यंग हो गए फिर धीरे धीरे एक दिन बूढ़े हो जाएंगे ये शरीर तो परिवर्तनशील है ये शरीर हम नहीं है लेकिन इसके अंदर जो एक अविनाशी सत्ता है एक ऐसे भी विज्ञान में हम पढ़ते हैं कि एनर्जी इज ऑलवेज कंजार्व नादर इट कैन बी क्रिएटेड नॉर इट कैन भी डेस्ट्रॉइड तो आत्मा एक इनर सेल्फ एक इमोटल एक इम्परिसबल एनर्जी है एक कॉन्स्टेंट एनर्जी है तो वो एनर्जी को अनुभव करना पड़ेगा और आई एम दैट एनर्जी तो मैं एक सोल हूँ मैं एक आत्मा हूँ मैं एक इनर सेल्फ हूँ उसको रियलाइज करना पड़ेगा यानी कल तक जब हम हमारा विचार ये था कि भाई मैं फलाना हूँ हमारी पोस्ट पोजीशन के हिसाब से हम जानते थे अपने फिजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से जानते थे या हमें अगर वो साधना करनी है वो आधार करना है तो ये फील करना पड़ेगा कि हाँ, रियल इसके अलावा मैं वो इनर सेंस हूँ वो पावर वो एनर्जी हूँ हाँ, एक सिंपल उदाहरण है फॉर एग्जाम्पल आप किसी नाटक में किसी नाटक में आपको एक राजा बना दिया गया यू आर प्लेइंग ए रोल ऑफ ए किंग उस समय डायलॉग भी ऐसे बोल रहे हैं आपका ड्रेस भी ऐसा है सब है लेकिन क्या आप भूल जाते हो कि मैं विशाल हूँ बिल्कुल नहीं भले आप एक्टिंग करते हो लेकिन उस समय राजा की तरह एक्टिंग कर रहे हो लेकिन अंदर ही अंदर आपको ये हमेशा ये याद है कि मैं विशाल हूँ परंतु मैं ये ड्रामा स्टेज में यह ऐसा एक्टिंग ही कर रहा हूँ इसी प्रकार वास्तव में हमारी ट्रू आइडेंटिटी तो हमें एक इनर सेल्फ है बिल्कुल अभी कोई एक इंजीनियर का रोल कर रहा है कोई एक डॉक्टर का रोल कर रहा है कोई एक जज का रोल कर रहा है कोई एक मदर का रोल कर रहा है कोई एक फादर ये सब अभिनय कर रहे हैं ये hmm. सृष्टि एक रंगमंच है शेक्सपियर लॉन्ग बैक बैकडोर्ड hmm. दिस वर्ल्ड इज ए ड्रामा स्टेज hmm. तो विश्व रंगमंच है इसमें हम एक्टिंग ही कर रहे हैं तो हम अपने आप को भूलना नहीं चाहिए कि मैं एक इनर सेल्फ एक ज्योति हूँ एक लाइट हूँ और साथ साथ हमें अपने पिता परमात्मा ईश्वर हैं उनको भी नहीं भूलना चाहिए अगर हम खुद को रियलाइज करते हैं कि मैं एक स्पिरिट हूँ मेरी पिता परमात्मा वो भी एक सुप्रीम लाइट है कैसे सबका भला हो कल्याण हो और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई हम यही विचार हमेशा कि ये दुनिया में जितने भी हैं ये सब हम वसुधे व कुटुम्बकम इस संसार एक परिवार है विश्व पिता परमात्मा एक है उनकी हम संतान हैं इसी भावना अगर किसी के अंदर है तो ही स्पिरिचुअली हेल्दी तो मैं एक आत्मा हूँ मेरे पिता परमात्मा हैं, विश्व कल्याण की भावना है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई है विश्व बंधुत्व की भावना है तो ऐसी भावना द्वारा जो सदा रहता है वही स्पिरिचुअली हेल्दी बन सकता है वही मेंटली पावरफुल पॉजिटिव माइंड लविंग जनरस हार्ट रख सकता है ये बात तो हम बचपन से सुनते आए और हर नारे में हमारे नेता ये लगाते हैं कि है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई है प्रैक्टिकली कहने के सुनते तो ऐसा ही थे तो तो जब देखते हैं कि जब कुछ झगड़े होते हैं कुछ ऐसी हालात बदलते हैं तो वो बात तो एक साइड हो जाती है और वो कहते हैं भाई उठाओ निकालो तलवार हम तो बना देंगे ये करेंगे। तो इसलिए मैं बताया कि इसको करना पड़ेगा तो अगर और ये समझेंगे तब जो ये बात क्लियर होती कि हम भाई भाई हैं हाँ तो ये प्रैक्टिकल इसको प्रैक्टिकल जीवन में उतारना पड़ेगा इसको कहते हैं प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी खाली तोता जैसा रटने की बात नहीं है इसको आप संबंध में व्यवहार में चाल चलन में वर्किंग फील्ड में इसको प्रैक्टिकली उतारना पड़ेगा इस कॉन्शियसनेस में कॉन्स्टेंटली इस अवेयरनेस में रहना पड़ेगा तो ही आपके अंदर आपके विजन में आपके बोल में आपके जैसे दादी का करंट अनुभव होता था मैं बता रहा था तो ऐसा लोग भी हमसे अनुभव कर सकते हैं और हम एक स्पिरिचुअल लाइट हाउस भी बन सकते हैं मतलब तो कहने तक नहीं आप फील करें जो आप कह रहे हैं वो आप फील भी करें इसको प्रैक्टिकली आचरण में लाना पड़ेगा उतारना पड़ेगा तो इसलिए आज लोग भाषण सुनना कोई नहीं चाहते हैं आज प्रैक्टिकल जीवन देखना चाहते हैं प्रैक्टिकल आचरण देखना चाहते हैं और प्रैक्टिकल है। स्पिरिचुअलिटी जो बोल रहे हैं उसके जीवन में ऐसा है क्या देखना चाहते हैं लोग तो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी और मैं सार रूप में तो यही समझा सकता हूँ कि देखिए आज स्पिरिचुअल वेलबींग well जिसको हम कहते हैं इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल वेलबींग मेंटल वेलबींग सोशल वेलबींग इंटरपर्सनल वेलबींग वोकेशनल वेल्विंग well ये फाइनेंशियल वेल्विंग well तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक रीति से स्वस्थ हो जाएगा उसके सब प्रकार के स्वास्थ्य ऑटोमेटिकली आएगा ऑटोमेटिकली जीवन में आएगा लेकिन आज आवश्यक है इस बात की जो मुझे दुख है कि डब्ल्यू एच ओ का एक दिन जो परिभाषा हम पढ़ते थे इट इज़ कम्प्लीट फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल वेल्विंग आज उस स्पिरिचुअल डायमेंशन को मिस कर दिया गया आज उसको फिर से रीएस्टैब्लिश करने की आवश्यकता है हम सभी संसार के एक एक व्यक्ति अगर इसको समझ करके प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी को जीवन में उतारेगा तो ही हम संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं दोस्तों आज की परिचर्चा में हमने समझा कि स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए ये बहुत आवश्यक है कि जिन बातों को हम जुबान से कहते हैं उन बातों को अपने व्यवहार में भी लाएँ जब व्यवहारिक रूप में वो बातें आती हैं तभी उनके फ़ायदे हमारे जीवन में आते हैं उनसे हम लाभ ले पाते हैं आज के लिए इतना ही धन्यवाद नमस्कार